हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे। आज हम होममेड ब्लीच DIY ब्लीच करेंगे। तो DIY ब्लीच हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। और DIY ब्लीच करने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत होगी वो भी देख लेते हैं। होममेड ब्लीच बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमारे किचन के सामानों से हम DIY ब्लीच बनाएंगे घर पर आसानी से। तो DIY ब्लीच बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रॉ मिल्क, कच्चा दूध और हाफ नींबू हमें लगेगा। हम 3 स्पून कच्चा दूध ले लेते हैं। 3 स्पून कच्चा दूध लेने के बाद हमें उसमें हाफ नींबू ऐड करना है। आप देख लीजिए, आगे वीडियो में आपको मैं बता देती हूँ। ब्लीच बनाने के लिए हमें एक बाउल में 3 चम्मच रॉ मिल्क कच्चा दूध ले लेना है और उसमें हम ये हाफ नींबू ऐड कर लेंगे। नींबू का हमें बीज निकाल लेना है। ये हमने बीज निकाल लिया। अब ये हाफ नींबू हम ऐड कर लेंगे कच्चे दूध में। ये हमने नींबू ऐड कर लिया। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है, जब तक कि ये कच्चा दूध और नींबू एक दूसरे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। ये मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब ये हम यूज़ कर लेंगे। हमें ये यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब हम कच्चा दूध और नींबू का ये बनाया हुआ ब्लीच ले लेंगे और एक कॉटन की मदद से हम अपने इस पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने एक कॉटन ले लिया है और ये ब्लीच जो हमने बनाया है घर पर उसमें डीप करके हम इसे अपने फेस पर लगा लेंगे। हमें इसे अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। यह ब्लीच लगाने के फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। इससे हमारे एक्ने, स्किन की प्रॉब्लम, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है सब दूर होगी। हमारी एक्ने ट्रीटमेंट हो जाएगा ये, और हमारे हेयर को ये लाइटनिंग करने में हमारी मदद करेगा। हमारे स्किन को लाइटनिंग करने में हमारी मदद करेगा। स्किन में जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें मिटाने में, हटाने में हमारी मदद करेगा। तो यह ब्लीच, ये कच्चा दूध और नींबू का ब्लीच हमारे फेस पर स्किन की हर समस्या को दूर करने के लिए हमें मदद करेगा। हमें इसे लगाकर 10 से 15 मिनट्स बाद, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए तब तक रखना है, और उसके बाद हमें इसे वॉश कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट होने के बाद ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। ये हमने अपने फेस को वॉश कर लिया। अब हम इसे टॉवल से पोंछ लेंगे। ये देखिए, अगर आपको ये होममेड ब्लीच पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये देखिए।